अरे दंत क्रांति, अरे मेरा चश्मा कहाँ गया यार, मिल नहीं रहा है। अरे उसके हाथ पैर तो है नहीं, कहीं तो चला नहीं जाएगा, देखो वहीं कहीं होगा। अरे मेरा चश्मा भी अपने टिकटॉक वाले अंधे बाप को दे दिया है क्या? अरे हमेशा मेरे पापा को बीच में लाने का जरूरत क्या है? अरे यार अभी तो एक तो लॉकडाउन है, अब तेरे बाप को बीच में जाके नमकीन होना है क्या? बीच में लेके जा रहे हो। अच्छा, ये सब छोड़ो, सुनो, मेरी एक दोस्त आज घर आने वाली है, क्योंकि उन्होंने पासी में उनका घर शिफ्ट किया है। अरे वाह, क्या बोला? मेरा मतलब है, अरे वाह ये तो अच्छा हुआ, अब तो मेरा मतलब तुम्हारा दिल लगा रहेगा। वैसे कब आ रही है वो? लो, वो आ भी गई। अरे गेट खुला है, आ जाओ। अबे तू, देखिए जी, ये मेरी दोस्त अंकिता। कैसी है तू? भैसी है तू। आजा आजा, बैठ जा बैठ जा, इनसे मिल लिए है मेरे पति। वेलकम बेटा, वेलकम। हाँ वेलकम टू द थैंक यू सर, नमस्ते सर, थैंक यू सर। अरे चलो चलो, तुम्हें किसी से मिलवाना है। काफी अच्छा परफ्यूम मारा है बेटे, नहाया तो है ना? अरे नहीं सर, नहीं सर, नहाया हूँ सर, परफ्यूम सर। थैंक यू सर। आओ बेटे, आओ इनसे मिलो। ये है हमारी बेटी अंकिता, और ये हमारे होनहार स्टूडेंट। हेलो। तो यही है वो जिसकी मिसालें पढ़ाई के देते हुए हमको अपने पढ़ाई के लिए इतना मोटिवेट किया था। पता है, आपकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गया। अरे सॉरी जी, गलती जी, माफ कीजिए, मेरे वजह से आप लोगों को तकलीफ झेलना। ठीक है, आप तुम दोनों को मैंने मिला दिया, तो बात करो और मैं बाकी लोगों के साथ जो पार्टी में आया बात करके आता हूँ मैं फिर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली मैंने। गुड मॉर्निंग पापा। ये खुशबू, ये परफ्यूम तो मैंने कहीं जानी पहचानी लग रही है, और ये तुमसे क्यों आ रही है साले हरामी? आपको पता है मैं और अंकिता एक साथ सोते थे क्या? अरे अरे, ये हिस्ट्री क्लास की बात कर रही है। अच्छा, अरे देखो तो, मैं भी कितनी पागल हूँ, इतनी दिनों से मेरी फ्रेंड आई है और मैंने इसको कॉफी तक भी नहीं पूछी। रुको मैं बना के लाती हूँ। नहीं नहीं रुको, कॉफी नहीं चाय बना के लो, उसको कॉफी पसंद नहीं। क्या, आपको इसकी पसंद ना पसंद कैसे पता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने मेरे को पसंद नहीं बोला। मेरे को हाँ, मेरे को चाय चाय पीना, चाय 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 लेके। इसके आने की खुशी में देखो तो मैं अच्छे से कुछ ही सुन भी नहीं पा रही हूँ। रुको रुको मैं लाती हूँ। क्या तुम्हें अभी तक वो याद है? याद? I don't believe in soulmates, but तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, हशर ये हुआ। अच्छा, ये लाइन तुमने कितनी लड़कियों को चिपकाया है जरा बताओ। 20 साल में 20। तो सुनो, मस्त मौसम हो रहा है ना, चाय या कॉफी क्या पियोगे बताओ? मौसम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन कॉफी नहीं है, मेरे को चाय पसंद है। चलो हालत देख लो जरा। ए ये देखो, तुम्हारा चश्मा मिल गया। तुम्हें पता है, ये आदमी एक बार को खाना खाना ही भूलता है, लेकिन ये चश्मा हमेशा लगा के रखते। अरे मेरी चाय। अरे रुको तो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, ये तो देखो। अरे वाह, गिफ्टे शिफ्टे लाई जा रही है। अरे यार इसकी क्या जरूरत थी यार? अरे यार पता था यार तुम भूल जाओगे। सही बोलते हैं कि पढ़ाकू लड़कों को डेट नहीं करना चाहिए, आज वैलेंटाइंस डे है यार। पर यार मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये सब वैलेंटाइंस डे। आज तक इतना पढ़ाई में बिजी रहा हूँ कि ये सब मैं ध्यान दे ही नहीं पाया। तुम मेरे साथ हो ना, मेरे लिए इतना ही काफी है, तुम्हें कोई गिफ्ट देने की और प्यार जताने की जरूरत नहीं है। सही है। तुम्हें पता है,
मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से पता नहीं कितने अच्छे रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। क्या बोला तुमने? मिसअंडरस्टैंडिंग? तुम कहना क्या चाहती हो? क्योंकि तुमने जो देखा, जो समझा, जो सुना, वो सिर्फ आधा सच था, पूरा नहीं। क्या? तो फिर पूरा सच क्या है? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बाकी अब आगे वीडियो में क्या होने वाला है इसको जानने के लिए आपको सेकंड एपिसोड का वेट करना पड़ेगा, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर अगर पसंद आया तो कर देना। बाय।